दोस्तों, बात करते हैं कि तुर्की में बेहयाई क्यों आम है। वहाँ की लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनसे तुर्की के कल्चर और मगरब के कल्चर में कोई खास फर्क महसूस नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा खूबसूरत चीज़ और खूबसूरत बंदी को जल्द ही दिल में समा लेते हैं। ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ जब इर्तुगरल की हीरोइन हलीमा का चेहरा पाकिस्तानी शहजादों के सामने आया, तो फिर टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम तक हर दूसरी पोस्ट में हलीमा और बस हलीमा ही नजर आईं। ड्रामा में हलीमा का किरदार एक मुसलमान जरूरतमंद औरत का किरदार है, मगर पाकिस्तानी शहजादों का दिल उस वक्त टूटकर किरची किरची हो गया जब हलीमा का किरदार अदा करने वाली अदाकारा एस्सर बिलजिक का असल रूप उनके सामने आया। ड्रामा इर्तुगरल में इर्तुगरल की भाभी के किरदार का नाम है सुलजान खातून। हम आपको दिखाते हैं कि सुलजान खातून असल जिंदगी में कितनी यूरोप के कल्चर से मानूस हैं। इस किरदार को अदा किया है दीदम बालचीन अदाकारा ने। दीदम 18 मई 1982 को अंकरा में पैदा हुई हैं और अंकरा यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने तलीम हासिल की है। ड्रामा इर्तुगरल में सुलजान की बहन का किरदार यानी कि इर्तुगरल की भाभी की बहन का किरदार अदा किया है गोकचा खातून ने, और सुलजान की छोटी बहन गोकचा खातून इर्तुगरल को पसंद भी करती हैं। इस किरदार को अदा किया है बोर्जो करातली ने। बोर्जो करातली अपनी असल ज़िंदगी में बेहयाई के सबसे इर्तुगरल के तमाम अदाकाराओं के मुकाबले में ऊंचे मुकाम पर हैं। आइए एक नजर डालते हैं बोर्जो पर। दोस्तों, आपको एक ड्रामा याद होगा जिसका नाम था प्यार लफ्जों में कहां। लव स्टोरी पर बनने वाला तुर्की का ये ड्रामा जब उर्दू में डब करके पाकिस्तान में पेश किया गया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। ड्रामा प्यार लफ्जों में कहां में हीरोइन के किरदार का नाम था हयात। हयात का असल नाम हैंडे इरसल है। जी हाँ, यकीनन हैंडे इरसल का शुमार खूबसूरत मॉडल और अदाकाराओं में होता है। हैंडे इरसल असल जिंदगी में मॉडलिंग के लिए हर तरह के कपड़े पहन चुकी हैं। आइए एक नज़र डालते हैं हैंडे इरसल पर। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना प्यार और मोहब्बत मुझे दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की मालूमात से भरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घंटी के बटन पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना क्योंकि ये कभी-कभी सर दर्द का बायस बन जाता है। अब वापस आते हैं वीडियो की तरफ। तो प्यार लफ्जों में कहां की हीरोइन हयात की असल जिंदगी की चंद फोटोशूट पिक्चर्स आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, ड्रामा प्यार लफ्जों में कहां हयात की एक दोस्त थी आइपिक। आइपिक का असल नाम मैरो काइग्रान है। आइपिक अपनी रियल जिंदगी में किस तरह की शूट करवाती हैं ये भी आपको दिखाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि ड्रामों में काम करने वाली अदाकाराओं को जिस तरह का किरदार मिलता है वो उसी तरह का ही अदा करती हैं, और यही एक एक्टर या एक्ट्रेस की खूबी होती है। लेकिन रियल जिंदगी में वो कैसे होते हैं ये किरदार के साथ कोई जरूरी नहीं कि मिलता जुलता उनका स्टाइल हो। अब वापस आते हैं आपने टाइटल की तरफ कि तुर्की का ऐसा कल्चर क्यों है।
3 मार्च 1924 को तुर्की में खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया था और तुर्की की आज़ादी के सख्त जो दुश्मन थे वो यूनानी थे। देखा जाए तो तुर्की के अंदर लोग यूनान के कल्चर को ज़्यादा अपनाते हैं और उससे मुतासर नज़र आते हैं। सदर रजब उर्दगान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने यूरोप का हिस्सा बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शायद वो इसलिए चाहते थे कि तुर्की भी यूरोप की तरह तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए, मगर यूरोपीय ममालिक ने तुर्की को अपने साथ नहीं मिलाया। तुर्की को यूरोप का दरवाज़ा कहा जाता है। आज़ाद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल आतुर्क पाशा जब तुर्की के पहले सदर बने तो उन्होंने ही तुर्की के अंदर सेकुलरिज्म निज़ाम को कायम किया था। तुर्की के अंदर ख़वातीन को वो हकूक हासिल हैं जो कि एक मगरब की औरत को अपने ममालिक में हासिल हैं। दोस्तों अभी आखिर पर आपको एक और जगह दिखाते हैं तुर्की के अंदर, जिसका नाम अगर उर्दू में कहा जाए तो काटन का किला है। यहाँ हर चीज़ काटन की तरह नजर आएगी, यानी कि रुई की तरह। यहाँ का कल्चर आप देखकर हॉलीवुड की फिल्मों को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसा कल्चर एक मुस्लिम ममालिक में हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा ही कल्चर अगर हम पाकिस्तान में ग्वादर के इलाके में ले जाएं, जहां पानी के अंदर मछली जब तैर रही होती है तो वो भी नज़र आती है, तो यकीनन हमें भी बहुत ज़्यादा सैर व सियाहत से रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन हकीकत में एक मुस्लिम ममालिक में हम ऐसा नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मौजूदा सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।